अस्सलाम वालेकुम, मैं मकबूल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से अपने हिफ्ज व अमान में होंगे। आज की वीडियो के हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं, तो हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं आज इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लेके आ सकूँ। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप पतले हैं तो लोग आपको ये कहते हैं कि यार कुछ खाया पिया करो, पतले होते जा रहे हो। अगर आप मोटे हैं तो लोग आपको ये कहते हैं कि यार कम खाया करो, मोटे होते जा रहे हो। अगर आप अफसरदा होते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि यार खुश रहा करो, क्योंकि लोग हर जगह हर टाइम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लोगों की बातों को जब आप इंपोर्टेंस देते हैं, लोगों की बातों को जब आप अहमियत देते हैं, उनकी बातों पे आप तवज्जो देते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। अगर एक इंसान सारा दिन धूप में मजदूरी करता है, ठीक है, काम करता है, तो लोग कहते हैं देखो यार इसे अपनी परवाह नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करते, तो लोग आपको कहते हैं कि देखो यार कितना कंजूस है, अपनी अपने लिए कमाता है लेकिन अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करता। अगर आप कमाते हैं और ख़ुद पे खर्च करते हैं, तो लोग कहते हैं देखो यार हराम का पैसा है, हराम की कमाई है, उड़ाया जा रहा है। अगर आप माँ बाप की हेल्प करते हैं, तो लोग कहते हैं देखो यार ये क्या कर रहा है। अगर आप नहीं करते तो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी तरह अगर आप देख लें, आप अपनी वाइफ का हाथ बताते हैं घर के कामों में, तो लोग आपको कहते हैं कि रन मुरीद है, रन की बात मानता है, औरत की बात मानता है, रन मुरीद का टाइटल जो है आपको दिया जाता है, क्योंकि लोग हमेशा आप पे तनकीद करते रहते हैं, क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो लोग आपको ये कहते हैं कि यार देखो ये किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, किस तरह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं तो देखो लोग कहते हैं कि यार ये दिखावे के लिए कर रहा है। अगर आप नहीं करते तो देखो यार कितना बेहिस किस्म का इंसान है, इसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। अगर आप राह चलते हुए किसी को रास्ता पार करवा देते हैं या नहीं करवाते, किसी को आप हेल्प नहीं कर सकते, तो लोग फिर भी आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आप पे फिर भी तनकीद करते हैं, क्योंकि आप जब जब कोशिश करेंगे लोगों को खुश करने की, आप जब जब जिंदगी में कोशिश करेंगे लोगों को खुश करने की, तो आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। लोग हमेशा आपसे खुश नहीं होते, लोगों को आप हमेशा खुश नहीं कर सकते। अगर आप नाकाम हैं, आप एक स्ट्रगल के रास्ते में हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, इवन कि आपकी फैमिली भी आपका साथ नहीं देती। जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर सारे आपके रिलेटिव बन जाते हैं, सारे आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, सब उस बात का क्रेडिट लेना शुरू करते हैं। सब ये कहते हैं कि ये फलां तो मेरा कजन है, ये मेरा भाई है। जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, तो सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए आपके साथ ताल्लुकात, आपके साथ रिलेशन, आपके साथ रिश्ता बना लेते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी जात को अहमियत दें, अपने आप को अहमियत दें। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते, जब आप अपनी कदर नहीं करते, जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हैं, तो वही लोग आपकी कदर नहीं करते। अगर आपने खुश रहना है तो सबसे पहले अपनी कदर करना सीखें, लोगों को खुश करना छोड़ दें। जो आप कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अगर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन जो है वो अच्छी है, सहमत आपकी सही है, तो फिर आपको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग आपसे कभी खुश नहीं होते। आप जितनी कोशिश कर लें, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं और अब भी यही कह रहा हूं कि अपने आप को वैल्यू दें, अपनी जात को अहमियत दें, लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, लोगों को खुश करना छोड़ दें। हर वो काम करें जिससे आपको खुशी और तस्कीन मिलती है, हर वो पॉजिटिव काम करें जिससे आपको खुशी और तस्कीन मिलती है। अपने गोल पे, अपने उस वे पे, अपने उस मंजिल पे फोकस करें, अपना टारगेट जो है वो पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ, हिम्मत के साथ काम करते जाएं, उस पर मेहनत करते जाएं, कामयाबी आपकी होगी। जब आप लोगों की बातों को अपने जहन में नहीं बिठाएंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, लोगों की बातों की तरफ, लोगों के कमेंट्स की तरफ कंसंट्रेशन नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आप तब जाकर खुश रह सकते हैं। तो वन फार्मूला फॉर हैप्पी लाइफ, अपनी जात को अहमियत दीजिए, अपनी जात पे फोकस कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने प्लान्स पे काम कीजिए, लोगों को अहमियत ना दें, खुद की जात को अहमियत दें, तो आप खुश रह सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।